हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे जीके के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि मौर्य सम्राट से। दोस्तों, इस क्लास में हम टोटल 35 क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, हर एक प्रश्न के लिए मिलेगा आपको 5 सेकंड का समय। तो राइट आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेगास्थनीज। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंडिया नामक पुस्तक जो है इसके लेखक है मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुंग वंश। इस प्रश्न का फ्रेंड्स बी राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के तत्काल बाद जो है शुंग वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अपना लिया था। तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने जो फ्रेंड्स है निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया था, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बौद्ध धर्म को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4 के अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि महेंद्र वर्मन और संघमित्र। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान से देख लेना। अशोक ने जो फ्रेंड्स है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्र को जो है श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुणाल। कुणाल जो था फ्रेंड्स, ये अशोक का उत्तराधिकारी था और इस प्रश्न का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप एक लाइक करके हमें मोटिवेट करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। और इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे कि प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसिद्ध सांची स्तंभ जो है वो अशोक के समय में बना था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 की सम्राट अशोक जो है किसका पुत्र था। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार का। सम्राट अशोक जो था फ्रेंड्स, ये बिंदुसार का पुत्र था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा कि मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कि मौर्य वंश के शासन के दौरान जो है स्थानिक था जिला प्रशासन। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जिला प्रशासन। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अपने नए दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो नए लोगों के पास वीडियो जाती है जिससे हमें काफ़ी बेनिफिट हुए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9 कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग बताएंगे कि मौर्य वंश की स्थापना जो है कब की गई थी, चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा धौली। इस प्रश्न का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि धौली स्थान के निकट जो है प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन जो है अशोक के किस शिलालेख में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख में। क्या? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन जो है वो अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लेखित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनामा प्रियदर्शी था। तो ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार कंप्लीट भी करा है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अशोक का। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का नाम जो है अशोक यानी कि देवनामा प्रियदर्शी था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल फ्रेंड्स, बी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। किस राजा की कहानी जो फ्रेंड्स है वो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14 कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। काफ़ी अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। बिंदुसार के शासन के दौरान जो है अशांति थी वो तक्षशिला में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरा में। ध्यान से देख लेना फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ राजा था, यानी कि तुर्मय जो था ये कहाँ का राजा था। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र का। अशोक का समकालीन जो फ्रेंड्स तुर्मय का राजा था ये कहाँ का था, तो ये था यहाँ का, यानी कि मिस्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17 कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तक्षशिला। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो था फ्रेंड्स वो था तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेंड्स सी राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त को। क्या अशोक ने किस साधु यानी कि बौद्ध साधु को प्रभावित होकर जो है बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उपगुप्त इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19 की मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पण। मौर्य काल में जो फ्रेंड्स प्रचलित मुद्रा का नाम था वो प्रण, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन 20 कि किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार के शासन काल में जो फ्रेंड्स है डायमेकस जो है ये भारत में आया था, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 कि चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल विष्णुगुप्त जो है चाणक्य को और अन्य नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन 22 है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र की रचना जो है वो की थी किसने, कौटिल्य ने। तो कौटिल्य को ही अन्य नाम से अभी पूछा था, तो विष्णुगुप्त के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजनीतिक नीतियों पर। इस प्रश्न का फ्रेंड्स डी राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक नीतियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन 24 है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 24 का, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में। क्या अशोक के जो शिलालेख थे ये किस लिपि में खुदे थे, तो ब्राह्मी लिपि, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 पे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रवण बेलगोला में। जो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने अपने अंतिम दिन जो हैं ये श्रवण बेलगोला में उतारे थे, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज थे ये भारत में किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन 26 है ये 7 है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स 27 के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में जो फ्रेंड्स सीता से क्या अर्थ है, तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन 28 है कि कलिंग युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कलिंग युद्ध हुआ था फ्रेंड्स 261 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन 29 है कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। तो चलिए फ्रेंड्स राइट आंसर बताएंगे कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। तो फ्रेंड्स 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए बता रहे फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ में अशोक, यानी कि अशोक का सम्राट का स्तंभ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन 30 है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन 31 है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वृहदत्त। वृहदत्त जो था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 32 कि सांची का स्तूप किस काल या मूर्ति का निरूपण करता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। सांची का जो फ्रेंड्स स्तूप है ये किस कला एवं मूर्ति का निरूपण करता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन हो जाएगा 33 कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 33 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। फ्रेंड्स बी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। इस प्रश्न का फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला, बता रहे ना, राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन 35 के अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था, तो थे जेम्स प्रिंसेप। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये रहा फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रसिद्ध सांची का स्तूप किसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था या भारत के किस राज्य में है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।